सभी दर्शकों को प्रेम कुमार मौत की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे हर प्रकार की खबरें आप लोगों तक तो हम पहुंचाते हैं, लगभग पिछले 8-9 महीने से हम आपके साथ में रूबरू है। हरियाणा के एक जिले की खबरें आप तक पहुँचाते हैं। आज हम पहुंचे विधानसभा पटौदी जिला गुरुग्राम में, और यहाँ पहुंचे रणशिका गाँव में। रणशिका गाँव सभी देशवासी जानते हैं कि वीर आत्मा शहीद कपिल कुंडू का ये जन्म क्षेत्र है, जन्म स्थान है। और यहाँ के जो सरपंच साहिब है वो है बहन मीना कुमारी जी। मीना कुमारी जी की जो कार्य को देखते हैं वो उनके हस्बैंड भी मिलकर के उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। भाई तारिफ जी, आज हम उनसे मिलेंगे। नमस्कार नमस्कार भाई, बहन जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप दोनों दंपति का बीपी न्यूज चैनल पर प्रथम बार जुड़ने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, पूरी सेंट्रल कमेटी की तरफ से, पूरी प्रदेश कमेटी की तरफ से। तो तारिफ भाई, कैसी योजना रही आपकी पंचवर्षीय योजना रही? जो हमने अपने पूरे प्रयासों से गाँव में निकास करवाए और उसमें मेहनत करके जो भी हम 5 साल हमारे सरकार के सहयोग से हमने अच्छे कार्य किए। गाँव में सभी रास्ते लगभग पक्के हो चुके हैं। गाँव के अच्छे पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था पहले ही जगह योजना के तहत 24 घंटे गाँव में बिजली आती है। तो लगभग काफी अच्छे कार्य हुए हैं पिछले 5 साल। तो सर, प्रशासन का आपको पूरा सहयोग मिला? पिछली बार विधायक का यहाँ से श्रीमती बिमला जी थी, और अभी प्रेजेंट में सत्यप्रकाश रावता जी। बिल्कुल, विधायकों का हमारे को दोनों का अच्छा साथ मिला। जब 4 साल की योजना लगभग हम बिमला चौधरी के साथ निकाले, उनका भी अच्छा हमारे साथ सहयोग रहा। और अभी पिछले 1 साल से श्रीमती सत्यप्रकाश रावता जी हमारे विधायक हैं जी, उनका भी अच्छा हमारे साथ तालमेल है, अच्छा सहयोग करते हैं, समय समय पर बातचीत करते हैं। इस कोरोना के टाइम में भी काफी अच्छा सहयोग हमें प्रशासन से, सरकार से, विधायक से मिला। अच्छा, एक तारीफ भाई, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने एक विधेयक पास कराया था जो महामहिम राज्यपाल ने पास किया, 75% युवाओं को हरियाणा के अंदर ही नौकरी प्रोवाइड करना। तो सर, इससे क्या लगता है कि जो क्राइम का रेशो जो बढ़ने लगा था या नशावृत्ति का रेशो जो बढ़ने लगा था, इस पर कुछ क्राइम लगाम लगेगी? बिल्कुल लगेगी। देखो सर, जब कोई युवा हमारे फ्री रहते हैं, इधर उधर में घूमते रहते हैं, अगर वो रोजगार मिलेंगे, अपने काम से काम मतलब रखेंगे, तो नशा वगैरह या अपराध वगैरह कम होंगे। बिल्कुल डेफिनेटली, जब ईमानदारी से काम करने का मौका मिलेगा तो अपराधों में और नशा वगैरह पर बिल्कुल पाबंदी लगी हुई। और जब 70% का आरक्षण ये भी जमीनें जायदाद हमारी गई हुई है, हरियाणा की गई हुई है, हरियाणा में सबसे अधिक उद्योग लगे हुए हैं, तो हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को मौका मिलना भी चाहिए, पहली प्राथमिकता हमें मिलनी चाहिए। और बाकी बाद में जब कोई पोस्ट बचे तो बाहर के लोग भी वहाँ पर काम कर सकते हैं, जिससे हरियाणा के युवाओं को अच्छा एक सहयोग मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा। तो देखिए, ये भाई तारिक ने अपने विचार रखे हैं कि जब रोजगार मिलेंगे बच्चों को, हमारे पढ़े लिखे बच्चे जब अपने काम धंधे पे सेटल हो जाएंगे तो उनके पास खाली बैठने का समय नहीं रहेगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली समय में यारों के साथ, मित्रों के साथ या किसी भी कोई नेगेटिव मंडली में जाने के बाद में वो नशावृत्ति के चक्कर में भी पड़ते हैं और गलत कामों के भी चक्कर पड़ते हैं। इन्हीं के साथ में तारिक भाई की धर्मपत्नी ये मीना जी, तो मैं बहन मीना से भी जानना चाहूँगा। मीना जी, सबसे पहले तो आप एक गृहिणी हैं, एक मदर है, बहन है, पत्नी है, वो सारी जिम्मेदारी अपनी निभाती है, और उसके भी आप सरपंची के पद पर सुशोभित रही, तो % आप लोगों को आरक्षण मिला है। मोदी जी ने 50% आरक्षण आपको राजनीति में दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मोदी जी का क्या धन्यवाद करना चाहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या धन्यवाद करना चाहेंगे आप? नहीं, महिला आप बताओ आप। हाँ, महिलाओं को जो 50% आरक्षण जो 1952 में मिला था, काम किया ये 1952 में जो मिलना था वो अधिकार मेरी माँ बहनों को आज मिला है, कैसा लगा, कैसे फील हुई? अच्छा फील हुआ, मोदी ने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। कहने को तो बराबर को हम देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, कन्या की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन जब औरतों के हक की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं उसमें कंजूसी कर लेते थे। लेकिन अभी भारत सरकार ने चूल्हे पर रोटी बनाती थी, मोदी जी ने फ्री सिलेंडर दिए हैं, गैस पे वो प्रदूषण, उज्ज्वला योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी ने महिलाओं के मान सम्मान के लिए उनको चूल्हों से निजात दिलाई है। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री ऑफ कोर्स सिलेंडर प्रोवाइड करके महिलाओं का ये मान सम्मान किया है। दूसरा, राजनीति में देखिए, हरियाणा सरकार के, भारत सरकार की नीति देखिए कि यदि महिला राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग लेगी तो, क्योंकि महिलाएं ड्रिंक्स नहीं करती, महिलाएं गैम्बल नहीं खेलती, और ये राजकाज को पूर्णतः शुद्धता रूप से चला सकती है, और ना तो किसी को ब्लैक मनी इसमें करने देगी और ना ही खुद होती है। दूसरा, मनी अब की बार यदि गांव वालों ने कह दिया कि मीना ने बनावा है,
तो आप पार्स दी थे क्या है? अच्छा मैंने जी, ये जो कोरोना चला हुआ है, क्या क्या कैसा लगता है आपको ये? क्या है कोरोना? कोरोना कोरोना एक बीमारी है, इसे अंदर ज्यादा से ज्यादा अंदर रहे और बच्चे रोड पर कम घूमें जी। और अपनी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? राजनीति के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे सरपंच ने भी बनेगी, पार्षद भी बनेगी, आपके जेठ कर दिया, ससुरा कर दिया, अपना हस्बैंड कर दिया, जाओ भाई तुम देख लो। ये तो तारिफ जी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं एक्चुअली में, लेकिन नाम तो एक्चुअली में आपका होता है। तारिफ भाई, एक मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे और है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में जब इस्तीफा दिया तो उसका एक बहुत मेन रीजन था JNK को जो भी ये अलग बना रहे थे, जो भी तत्कालीन सरकारी थी, बाबा साहब उसके बिल्कुल खिलाफ थे कि भारत का ये शीश है, इसको अलग मत होने दो, अलग संविधान मत बनाओ, अलग झंडा मत बनाओ, एक भारत एक फ्लैग होना चाहिए। लेकिन उनके उस प्रस्ताव को नहीं माना गया तो बाबा साहब ने इस्तीफा देना पड़ा और वो नरेंद्र मोदी ने एक झटके से 370 और 35A को सफाया कर दिया। कैसा लगा, कैसा फील हुआ प्रदेश में? अच्छा काम है, एक देश श्रेष्ठ देश होना ही चाहिए, सभी इस देश में सभी बराबर का हक रखते हैं, सभी नागरिक संविधान में बराबरी का दर्जा देता है। तो एक स्टेट में अलग झंडा और अलग कानून, तो जब देश एक है तो कानून और सबके सभी नागरिक समान होते हैं, तो एक अच्छा एक सराहनीय काम किया है, जिससे कि काफ़ी सारे जो अड़चने होती थी हमारी फोर्सेज को भी, बेल्ट ऑन वगैरह फोर्सेज, आर्मी को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना जी जी चल रहा है, पत्थरबाजी का मुकाबला करना 370 से अब सारे देश में एक बराबर कानून लागू हो गया है, तो एक कहीं ना कहीं देश को फायदा मिलेगा, देश की जनता को फायदा मिलेगा, एक अच्छा कार्य है। तो जो काफ़ी वक्तों से अटका होंगे प्रधानमंत्री ने अच्छा कार्य किया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में भाई तारिफ जी और बहन मीना कुमारी जी, सरपंचनी साहब। तो मैं आप लोगों का एक बार दिल से फिर धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाओं के साथ में आप लोगों के लिए शुभकामना प्रदान करते हैं। गुरु महाराज आप लोगों के सारे मनोरथ पूर्ण करें और आप जिंदगी में इसी तरह से विकास की तरफ अग्रसर रहे, बढ़ते कदम सच्चाई कर्म, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी सलाह भारती के साथ प्रेम कर बहुत हरियाणा।